सर, क्रिकेट का नया सीजन स्टार्ट हो गया है, तो इस बार हल्द्वानी क्रिकेट एकेडमी के बच्चों को क्या नई नई फैसिलिटीज मिलने वाली है? इस बार हम अच्छा ग्राउंड बना के अच्छी पिच और जिसमें टर्फ का विकेट हम बनाने जा रहे हैं जी। और उसके साथ हम यहाँ पर बच्चों के लिए कैंटीन, जिसमें उनको ये जो फास्ट फूड जो बच्चे खा रहे हैं, इसके लिए हम जागरूक कर रहे हैं बच्चों को कि फास्ट फूड का उपयोग बिल्कुल ना करें। कैंटीन में हम इनको शाम के समय में दूध और अंडे की व्यवस्था इधर अभी कराने जा रहे हैं। मतलब पूरा न्यूट्रिशन प्लान यहाँ पर बिल्कुल। और फिटनेस के बारे में कुछ बता? फिटनेस के बारे में हम जो है मंडे और ट्यूसडे दो दिन बिल्कुल हम फिजिकल फिटनेस के हमने ऊपर ध्यान दिया है, और उसके अलावा हफ्ते में जो पाँच दिन चार दिन और बचते हैं उसमें नेट पे हम नेट का अभ्यास करवाएंगे, और दो दिन फिजिकल फिटनेस से गुजरना बहुत जरूरी है बच्चे को। सर, और फिटनेस के अलावा जैसे ग्राउंड बनने वाला, बच्चों को ग्राउंड मिलने वाला है, तो मैं बात कर रहा था कोच से, तो बता रहे थे कि मैच से पहले जो प्रैक्टिस मैचेस हैं वो मिलना काफ़ी जरूरी है फिटनेस लेवल हम लोग का रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए। हाँ देखिए, ऐसा है, जब तक का हमारी टर्फ का विकेट तैयार नहीं होता उससे पहले हम एक मैटिंग विकेट पर एक अभी टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं जो स्कूलर्स टूर्नामेंट होगा। अधिक से अधिक स्कूलों को हम यहाँ पर इन्विटेशन करेंगे, जो बच्चे यहाँ पर भाग लेना चाहें बहुत कम खर्चे में हम उनको यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे। सर, काफ़ी लंबे समय से आप क्रिकेट में जुड़े हैं और सामाजिक कार्यों में जुड़े हैं, तो क्या आपको क्या चीज़ ऐसी है जो मोटिवेट करती है कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए? देखिए, आज ये और ये जो एकेडमी हल्द्वानी की सबसे पुरानी, ये एक्चुअल में क्या है कि आज आप देख रहे हैं सभी पेपर के माध्यम, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी को पता चल रहा है कि आज बच्चा नशे की प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा जा रहा है। अगर हम इन बच्चों को, हम ये तो नहीं कहते कि हम सारे ही बच्चों को रोक पाएंगे, लेकिन हमने कुछ बच्चों को अगर इस प्रवृत्ति से रोक दिया तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। थैंक यू।